विश्व युद्ध में क्या भारतीय सैन्य दल फंस सकता था कनाडा की वजह से, जानेंगे आखिर क्या हुआ है। तो वहीं आखिरकार पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध को लेकर सबके सामने बहुत बड़ी बात कही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद भारत ने वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों को निकालने के लिए अपना बचाव दल और मालवाहक विमान भेजा था। इस दौरान भारतीय बचाव दल को देरी का सामना करना पड़ा था, वो भी तब जब काबुल एयरपोर्ट के बाहर जंग जैसे हालात थे और गोलीबारी हो रही थी। अब खुलासा हुआ है कि खालिस्तान प्रेमी कनाडा के तत्कालीन सिख रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने अफगान सिखों को अपनी सेना को पहले निकालने का आदेश दिया। ये अफगान सिख एक सिख एनजीओ के कहने पर काबुल एयरपोर्ट के बजाय कनाडा के दूतावास पहुंच गए। इससे भारतीय वायुसेना के बचाव दल के विमान को काफी देर तक जंग के माहौल में काबुल एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। हरजीत सज्जन ने यहां तक कह दिया था कि कनाडा के नागरिकों से पहले इन सिखों को निकाला जाए। इस खुलासे के बाद हरजीत सिंह की कनाडा में काफी आलोचना हो रही है। हरजीत ने कनाडा की स्पेशल फोर्सेज को कहा था कि उन सिखों को पहले निकाला जाए जिन्होंने कनाडा की सेना को अफगानिस्तान में कब्जे के दौरान मदद की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सज्जन की चाल के बाद भारतीय बचाव दल को आखिरी समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफगान हिंदू दल एयरपोर्ट आ गया था लेकिन सिख कनाडा के दूतावास चले गए। सज्जन ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ये निर्देश सिखों को दिया था। सज्जन के पिता इस संगठन के बोर्ड में सदस्य हैं। इसकी वजह से भारतीय विमान की उड़ान में देरी हुई, वो भी तब जब वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सिख कहीं से भी कनाडा की सेना के रडार पर नहीं थे लेकिन सज्जन के आदेश के बाद वो फंस गए। सज्जन अभी कनाडा की जस्टिन ट्रूडू सरकार में आपात तैयारी मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि अफगान सिखों की संख्या 22 से 40 के बीच में थी। ये लोग काबुल में करते परवान गुरुद्वारा से 21 अगस्त 2021 की रात को निकाले जाने थे। इस बचाव अभियान को देवी शक्ति नाम दिया गया था। ये बहुत ही जटिल मिशन था और इस दौरान हिंदुओं और सिखों को भारी सुरक्षा दल के साथ बस से एयरपोर्ट लाना था। इस दौरान रास्ते पर तालिबानी आतंकियों का कब्जा हो गया था, वहीं एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। भारत ने अपने सैन्य मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भेजा था। अब खुलासा हुआ है कि अफगान सिख तय प्लान से हट गए और सज्जन के कहने पर कनाडा के मिशन चले गए। भारतीय बचाव दल और दूतावास के कर्मचारियों को 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। भारतीय दल ने जब इन सिखों से पूछा तो उन्होंने बताया कि टूडू सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि काबुल से कनाडा पहुंचाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद भी इन सिखों को खाली हाथ लौटना पड़ा और कनाडा के सैनिकों ने उन्हें नहीं निकाला। इसके बाद सिखों ने भारत सरकार से गुहार लगाई, फिर उन्हें 22 अगस्त को निकाला गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत कुल 669 लोगों को निकाला गया। इसमें 206 अफगान हिंदू और सिख शामिल हैं। जहां एक तरफ कनाडा के तरफ से ये खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और रूस के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम बंदूक गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। पिछले 40 से 50 साल से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, इसलिए मॉस्को में हुए आतंकी हमले का दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करता हूँ। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। शांति के लिए मेरे मित्र पुतिन की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं विश्व समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत शांति का पक्षधर है। चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, जब जान का नुकसान होता है तो मानवता में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को दुख होता है। जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, जब हम मासूम बच्चे को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है। वो दर्द बहुत बड़ा है। इस पर मैंने पुतिन से विस्तृत चर्चा भी की है। मोदी मॉस्को में ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर भी पहुंचे, जहां उन्होंने एटम पवेलियन का दौरा किया। इसे न्यूक्लियर एनर्जी का हब भी माना जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस की
रूसी परमाणु पनडुब्बी का मॉडल भी देखा। मोदी क्रेमलिन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों के स्मारक स्थल द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर पहुंचे। मोदी ने वहां श्रद्धांजलि दी। यहां पर ये देखने को मिला, पहली बार पीएम मोदी ने आखिरकार पुतिन को इस चीज को लेकर कहा ही। वैसे आपको बता दूं, ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। हालांकि यहां पर पूरे जो मुलाकात रही है वो मुलाकात बहुत ही अच्छा रहा है, और इसमें यही देखने को मिला है कि दोनों ही काफी हद तक खुश नजर आए हैं। अगर इस स्टेटमेंट की बात कहें तो इस स्टेटमेंट के बाद भी दोनों देशों के बीच में एक गहराई ही देखने को मिली है। फिलहाल के लिए जो ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट भारत को एक बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि बैलेंस बनाकर चला जाए, क्योंकि इस समय जिस तरीके का माहौल है उस तरीके के माहौल में बैलेंस जरूरी है। हालांकि आप देखेंगे मीटिंग से पहले तक भी दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो काफी खुशनुमा तरीके से मिलते हुए दिख रहे हैं और बातें करते हुए दिख रहे हैं। खैर, अब यहाँ पर कई ऐसे मौके आए जिन मौकों में देखा गया कि दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ ये मिले भी है। अब आगे की रणनीति क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। दोनों ही दोस्त देश एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब माने जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड से नवाजा जाएगा। ये रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। 2019 में रूस ने उनको इस सम्मान देने का ऐलान किया था। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की अहमियत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि यह 326 साल पुराना है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल का शुरुआत किया। ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित है और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह में एक नीला सैस, सेंट और एंड्रयूज के क्रॉस वाला एक बैज, छाती पर पहना जाने वाला एक सितारा शामिल होता है। बैज सेंट एंड्रयू का सुनहरा क्रॉस है, जिसमें एक्स के आकार के क्रॉस पर यीशु की छवि है। 1917 में रूसी क्रांति के बाद इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सोवियत काल में इसे फिर से शुरू किया। रूस में सेंट एंड्रयू द अपोस्टल राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, जो सर्वोच्च राज्य अलंकरण के रूप में अपनी ऐतिहासिक परंपरा को कायम रखता है। 2019 में ही इसे पीएम मोदी को देने की घोषणा हुई थी। भारत में रूसी दूतावास ने अप्रैल 2019 में इसे जानकारी दिया था। वैसे आपको बता दूं, रूसी राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा था कि साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये मिला है। इस अवार्ड की घोषणा पर पीएम मोदी ने कहा था कि वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।